अस्सलामु अलैकुम माय टू फैमिली, आप लोग कैसे हो? तो आप लोग देख रहे हो, मैं यहाँ पे लिया हूँ स्टार गुसबेरी और इसको मीठा आमला भी कहते हैं, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आप लोग क्या कहते हो इस फ्रूट को, तो मुझे कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे देखिए, सारे फ्रूट को मैंने क्लीन करके और उसका जो एक्स्ट्रा खराब पोर्शन है उसको काट करके मैंने अच्छी तरह से वॉश किया है। तो ऑफ कैमरा में भी अच्छी तरह से वॉश किया है और उसके बाद एक दिन पूरा धूप में सुखाया है और एक दिन सुखाने के बाद कुछ इस तरह से लुकाया है। और इसको अच्छी तरह से सुखाना पड़ता है क्योंकि इसमें बहुत सारा रस होता है, तो इसीलिए इसका अचार हम जब बनाते हैं ख़राब हो जाता है, लेकिन सुखाने से बहुत ही परफेक्ट सालों साल चल जाता है। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ सूखा मिर्च लिया है, तो मैं बहुत ही स्पाइसी बनाऊँगी तो इसलिए मैंने ज़्यादा लिया है। और सारी मिर्च को मैं अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करूँगी, तो इसमें कोई ऑयल नहीं डाला है, सिर्फ ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। और आप लोग चाहे तो अगर जो तीखा कम खाना चाहते हो तो आप मिर्च का पोर्शन कम ले सकते हो। और यहाँ पे सारा मिर्च देखिए यहाँ पे ड्राई रोस्ट हो गया है, तो उसको मैं निकाल लिया है। और दूसरी साइड में मैंने यहाँ पे 5 फूरन लिया है और साथ में सौंफ थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया है। और सब कुछ को मैं अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करूँगी, तो सब कुछ मैं ड्राई रोस्ट करके ग्राइंडर जार में पीस लूँगी, तो इस तरह से ईजीली हो जाता है। और अगर आप पीसना चाहते हो किसी भी जो सिलबट्टे से तो भी पीस सकते हो, तो उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे देखिए सारा ड्राई रोस्ट हो गया है, उसको मैंने ग्राइंडर जार में थोड़ा सा दरदरा पीस लिया है। और अभी इसमें कुछ सूखा मिर्च मैंने डाल दिया है और साथ में कुछ 5 फूरन और कुछ लहसुन की कलियों को मैंने इस तरह से डाल दिया है। और उसमें जब अच्छी तरह से एक एरोमा आ जाएगा, तब जो हमने फ्रूट सुखा कर रखा है गोसबेरी, तो वो मैंने डाल दिया है। और उसको डालने के बाद मैं हल्का सा उसको फ्राई करूँगी, तो यहाँ से फ्राई करने से उसका जो एक खट्टापन होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये अचार आप लोग राइस के साथ या रोटी के साथ भी खा सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है तो खाने में, तो इसलिए मैं आज आप लोगों में बना रही हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। एकदम सिंपल है लेकिन बहुत ही मज़े का ये अचार बनता है, आप लोग इसको घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और उसी के बाद मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से। और नमक डालने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है और इसमें जाएगा थोड़ा सा, और उसी के साथ मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, क्योंकि लाल मिर्च कम डाला है, बाद में जो हमने ड्राई रोस्ट करके रखा हो उसका भी पाउडर मैं डालूँगी। और यह डालने के बाद मैं अच्छी तरह से मिक्स किया है, तो ये ऑयल में पकता है क्योंकि इसको सालों साल अगर रखना है तो इस तरह से ऑयल में पका कर रखेंगे तो पूरा साल आप लूँगा। सो अभी इसमें जाएगा धनिया पाउडर, मैंने 1.5 टेबल स्पून डाल दिया है। जो धनिया पाउडर हम घर में सब्जी में डालते हैं वो मैंने डाल दिया है। बाद में अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर रही हूँ और देखिए कितना बढ़िया तरीके से मिक्स हो गया है सारा मसाला। और अभी बहुत अच्छा एक फ्लेवर आ रहा है मसालों से, मसाला डालने के बाद। और उसके बाद इसमें जाएगा जो लाल मिर्च का पाउडर हमने खुद ड्राई रोस्ट किया था, उसका मैंने पाउडर बना लिया है, दरदरा पीस लिया था, तो वो मैंने डाल दिया है। और वो डालने के बाद मैं बहुत अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर रही हूँ, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि आप लोग इसको एक बार ज़रूर बनाइए इस तरह से, तो आप लोगों का अचार एकदम परफेक्ट बनेगा। और यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, तो यहाँ पे मैंने विनेगर डाल दिया है, तो विनेगर डालने से हमारा जो अचार है वो ख़राब नहीं होता है, तो ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है, तो ये बहुत ज़रूरी है डालने से जो अचार है वो पूरा साल तक अच्छा रहेगा, ख़राब नहीं होगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मसाला मैं लास्ट में और डालती जाऊँगी, जितना हमें चाहिए तो उतना मैं अंदाज़ा से डालूँगी। और यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लिया है, जो मसाला हमने ड्राई रोस्ट करके रखा था वो पहले थोड़ा डाल दिया है और बाद में। भी डालूंगी, तो ये आप अपने अंदाज़ा से डालिए, जितना मसाला आप डालना चाहते हो पसंद करते हो उतना ही डाल सकते हो, तो इसमें कोई एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होता है, जो अपने घर के हिसाब से डाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए सारा अचार बन के रेडी हो गया है और ये पूरा ठंडा हो गया है, तो ये पूरा ठंडा होना चाहिए। अगर देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया तरीके से बन गया है, तो लास्ट में और क्या क्या डालूंगी आप लोग वीडियो पे बने रहिए। तो यहाँ पे पूरा ठंडा हो गया है,
सो यहाँ पे टांडा होने के बाद मैंने अच्छी तरह से मिला है, क्योंकि मसाला नीचे में पड़ जाता है, तो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे मैंने एक जार लिया है, तो पुराना घी का जार था, तो उसको मैंने अच्छी तरह से गर्म पानी में क्लीन करने के बाद मैंने धूप में सुखाया है। और अचार हमेशा कांच के जार में रखती है, तो अचार ख़राब नहीं होता है। प्लास्टिक के जार में अचार ख़राब हो जाता है, लेकिन जो कांच जार में ख़राब नहीं होता है, तो मैं हमेशा कांच के जार में ही अचार रखती हूँ। तो ऊपर से मैंने कच्चा सरसों का ऑयल डाल दिया है, तो ये गरम किया हुआ नहीं था, एकदम कच्चा ही डाला है। और ये डालने के बाद मैं अच्छी तरह से इस तरह से मसालों के साथ मिक्स किया है थोड़ा सा चम्मच से। तो अचार में कभी भी हाथ मत लगाइए, तो खाने का मन करे तो एक सूखा चम्मच से निकाल कर खाइए, तो इसी तरह से अचार ख़राब नहीं होता है। तो मैंने बहुत सारा टिप्स आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो आई होप कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और तो आज का अचार का रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगी नई कोई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।